एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 m/s टू 3.5 m/s इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या क्या पूछ लिया इसमें, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है। बॉडी का मास दिया है 3 kg, ठीक है। एक बार इसको साइड में रखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं पहले जो क्वेश्चन में जो जो दिया हो, सबसे पहले उसको नोट करना है हम लोग आंसर शीट में। मास दिया है 3 kg, स्पीड 2 m/s था इनिशियली, वी वन था क्या 2.0 m/s, वी टू क्या दिया है 3.5 m/s एंड टाइम क्या दिया है 25 सेकेंड। ये पार्ट तो तीनों काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स का है। हमें निकालना क्या दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है। कैसे अप्रोच करेंगे पहले ये सोचना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग कर यह सकते हैं कि हमें फॉर्मूला पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हमें फोर्स मिल जाएगा, अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा। मास ऑलरेडी दिया हुआ है, मास दिया है, एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा, एक्सेलरेशन यहां से निकलेगा, कौन सा इक्वेशन लगेगा, वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। वेरी सिंपल, 3.5 इज इक्वल टू 2.0 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम 25 सेकेंड्स दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 3/50 m/s². ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया हम लोग को। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास 3 kg इंटू एक्सेलरेशन, 3/50 इज इक्वल टू 9/50 N, दैट इज इक्वल टू 0.18 N। डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम एस वेलोसिटी। वाई सेम एस वेलोसिटी, सेम एस वेलोसिटी वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज। तो अगर बॉडी पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑफकोर्स फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, है ना।